जीवन का मुख्य लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता निवास करती है और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकती है। और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना आयुर्वेद और योग के बगैर संभव नहीं। आरोग्य धाम तकरीबन 100 वर्षों से इसी महान कार्य में लगा है। डॉक्टर वीशी अग्रवाल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल और योगाचार्य डॉक्टर अमृत राज, इन सभी विभूतियों ने आयुर्वेद और योग के माध्यम से न सिर्फ जटिल से जटिल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया, अपितु एक आदर्श जीवन का आधार भी रखा। और शायद इसीलिए आरोग्य धाम मानव समाज के लिए एक वरदान है। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे साथ है आरोग्य धाम पत्रिका के मुख्य संपादक वैद्य रत्नम डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि डिप्रेशन क्या है। दर्शकों, ये जो जीवन है हमारा, ये ईश्वर ने हमको आनंद में जीने के लिए दिया है, वह साथ साथ सुख में भी इस जीवन को हमारा बनाया है। परंतु आपने देखा होगा कि असंख्य लोग स्वस्थ शरीर होने के बावजूद भी एक विशेष प्रकार के मीनिया से ग्रस्त रहते हैं या बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, जिसे कि हम डिप्रेशन कहते हैं। ये जो डिप्रेशन है, ये एक प्रकार का मानसिक रोग है, जिसकी वजह से हमारा शरीर मीन्स बॉडी और माइंड से जो हमारी जो मानसिक शक्तियाँ हैं, ये सब इफ़ेक्ट होती हैं। इस रोग को हम डिप्रेशन कहते हैं। जैसा कि हमारे आयुर्वेद में बताया है, सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय इति स्वस्थ इति विधीयते। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हमारे शरीर के दोष, हमारे शरीर की अग्नि, हमारे शरीर का मल, हमारी आत्मा अगर प्रसन्न है तो उसे हम स्वस्थ कहते हैं। ये हमने इसलिए यहाँ बताया कि जो डिप्रेशन के रोगी हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका सब चीज़ स्वस्थ होने के बावजूद भी उनकी आत्मा, उनका मन प्रसन्न नहीं होता, जिसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसे रोगी के लक्षण क्या है? ऐसे रोगी के मुख्य लक्षण हैं उदासीन रहना, अत्यधिक क्रोध करना, बहमी होना, स्मरण शक्ति का उसके ह्रास होना, मतलब बात अपनी बात को भूलना, व साथ साथ हीन भावना से ग्रस्त होना, ऐसे रोगी के मुख्य लक्षण हैं। तो डॉक्टर साहब, डिप्रेशन के मुख्य कारण क्या है? इसके मुख्य कारणों में अनुवांशिक यानी कि हेरिडिटरी होता है, ये मनोवैज्ञानिक भी है, साइकोलॉजिकल, और ये आर्थिक कारणों से भी होता है, और साथ साथ सामाजिक कारणों से भी डिप्रेशन होता है। तो डॉक्टर साहब, डिप्रेशन ज़्यादातर किस उम्र में होता है और इससे किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? डिप्रेशन अधिकतर 18 से 40 वर्ष की आयु में ज़्यादातर पाया जाता है, और इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें सर्वप्रथम मानसिक समस्याएं होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति अगर डिप्रेसिव मूड में रहता है तो इस डिसऑर्डर की वजह से उसको सबसे ज़्यादा इंसोमनिया मीन्स अनिद्रा, नींद ना आने की शिकायत, और उसके साथ साथ उसको डायबिटीज़ मलाइटस, क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होंगी तो डायबिटिक होने के भी चांस हैं। उसके साथ साथ उसको हाइपरटेंसिव मीन्स वो हाइपरटेंशन भी उसको हो सकता है, उसकी यौन इच्छाओं की भी कमी हो सकती है, और साथ साथ उसका स्मृति का ह्रास। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन से का शिकार है उसको उसकी शारीरिक व मानसिक अनेक समस्याएं पैदा हो सकती। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान आयुर्वेद में, जैसा कि एक बार हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा जीवन का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी को हमने जीवन का आधार कहा। इसका आधार, इसका मुख्य समाधान है कि हम अपना जो दिनचर्या है और अपनी जो हमारा जो खान पान है और हमारा जो वे ऑफ लाइफ है उसको शुरू से सिस्टमेटाइज करें, किसी चीज़ को ज़्यादा अधिक ना करें, अपने परिवार के लिए, अपने लिए समय अवश्य निकालें, और अपने बारे में ज़रूर चिंतन मनन मंथन करें, जिससे कि हम इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। साथ साथ आयुर्वेद में और भी उपचार बताया गया है इसका। फॉर एग्जांपल, जैसे अभ्यंग है,
शिरोधारा है, बस्ती भी इसमें हम देते हैं, स्वेदन भी कराते हैं, और साथ साथ आयुर्वेद में औषधियाँ भी हैं, जैसे आहिफेन आसव है, जाति फलादी चूर्ण है। मॉडर्न मेडिसिन में इसमें सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं, परंतु आयुर्वेद की दवाइयों की विशेषता ये है कि इन दवाइयों के लेने से व्यक्ति विशेष ड्रग डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन जो सेडेटिव्स लिए जाते हैं डिप्रेशन में, वो भी एक तरह का नशा है, और उन दवाइयों पर मरीज डिपेंड हो जाता है। और आयुर्वेद की जो चिकित्सा इसमें है उसकी विशेषता ये है कि मरीज ड्रग डिपेंडेंट नहीं होता, और जो रसायन की कमी उसके शरीर में आ जाती है, कुछ वर्षों बाद फिर वो रसायन उसके शरीर में आ जाते हैं और मरीज जो है डिप्रेशन से छुटकारा पा जाता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें डिप्रेशन के ऊपर इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, यदि आपको भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो आप हमें पत्र अवश्य लिखें। पत्र व्यवहार का हमारा पता है। क्या आप आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आप किसी जटिल या असाध्य रोग से ग्रस्त हैं? क्या आपकी शारीरिक दुर्बलता आपकी परेशानियों का कारण बनी हुई है? क्या आपका मोटापा आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है? क्या आप संतान से वंचित हैं? क्या आप टोटल हैप्पीनेस विद परफेक्शन चाहते हैं? समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, आरोग्य धाम। आयुर्वेद और योग में सभी समस्याओं का हल है। विश्व के किसी भी शहर में आरोग्य धाम के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में आरोग्य धाम आयुर्वेद योग शिविर आयोजित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है, योगाचार्य डॉक्टर अमृत राज, आरोग्य धाम, आर्य समाज रोड, निकट महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। फोन 01312622326, मोबाइल 9897073600, 9719237373, 9319424369, वेबसाइट www.arogyadham.net, ईमेल arogyadham@readymail.com। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम आरोग्य धाम एक वरदान। कल फिर होगी हमारी मुलाकात, तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। नमस्कार।